नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जयंत चौधरी ने ठुकराया शाह का न्योता, कहा मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। शाह के पश्चिमी यूपी के दौरे जारी, आज मथुरा में जाकर मांगा समर्थन। राहुल ने की ट्विटर पर फॉलोअर्स कम होने की शिकायत, ट्विटर ने दिया जवाब। दिल्ली की महिला का अपहरण, यौन उत्पीड़न, कालीकोट सड़कों पर घुमाया। और बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जारी, प्रयागराज में 6 पुलिस वाले सस्पेंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और ये खबर जुड़ी हुई है जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं उनके दो टूक की। आपको ध्यान है कि कल अमित शाह ने एक ओपन ऑफर दिया था आरएलडी के लीडर जो जयंत चौधरी को कि वो चाहें तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसी के दो टूक जवाब में आज रालोद के जो लीडर हैं जयंत चौधरी, उन्होंने ये कहा है कि जो न्योता अमित शाह ने दिया है उसे सियासी पारा तो जरूर हाई हो गया था और सियासी पारा बिल्कुल चढ़ गया था, लेकिन जयंत चौधरी ने बिल्कुल एक सटीक जवाब उनको दिया और उन्होंने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा की घड़ी है, 5 साल बाद मौका मिला है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो भाईचारा जिंदाबाद का नारा है वो हमारा है, और किसे एलर्जी है इस नारे से ये आपको भी पता है। उन्होंने कहा कि इज्जत मान सम्मान से खिलवाड़ इस समय हो रहा है और योगी सरकार जो युवा हैं उनके नौकरियों की बिल्कुल अनदेखी कर रही है। साथ में उन्होंने जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि यूपी की प्रॉब्लम्स एक नहीं बहुत सारी हैं और हम सत्ता में आ जाएंगे तो भी इन समस्याओं को खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन साथ में इन्होंने ये कहा कि मैं दिशा बदलने वाला नहीं हूं और जो मुजफ्फरनगर है उसे नफरत की प्रयोगशाला नहीं बनने दूंगा। यानी कि जो प्लीज प्लीज करने का एक जेस्चर जो अमित शाह का दिख रहा था, गृहमंत्री अमित शाह का दिख रहा था, और किस तरीके से कल आपने देखा था कि 200 से ज्यादा जो जाट नेता थे, जाट समुदाय था, उनको उनके नेताओं से वो मिले और एक ओपन ऑफर उन्होंने जयंत चौधरी को दिया, तो आज जयंत चौधरी की इस दो टूक से लग रहा है कि अमित शाह का जो प्लीज प्लीज जेस्चर है कि प्लीज आप हमारे दरवाजे आइए, वो जेस्चर काम नहीं आने वाला है। और जयंत चौधरी को भी ये दिख रहा है कि इस समय जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर कड़ा मुकाबला बीजेपी बनाम एसपी आरएलडी ही है, और इसी चीज को शायद जयंत चौधरी ने भांप लिया है और वहां पर बीजेपी के लिए काफी कठिन रास्ता नजर आ रहा है, और इसीलिए ये जो दो टूक जवाब है कि मैं चवन्नी नहीं कि पलट जाऊंगा, तो ये अमित शाह को एक मुंह तोड़ जवाब जयंत चौधरी ने दिया है। तो आखिर क्या अमित शाह को ये लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जाट समुदाय को वो साधने में लगे हुए हैं और जिस तरीके से बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने हाथ नहीं जोड़ा लेकिन बाकी सब कुछ कह दिया कि जयंत चौधरी को वो अगर चाहे तो बीजेपी में शामिल कर सकते हैं, ये एक तरीके से अमित शाह का एक संकेत है कि वो इस चीज़ को जानते हैं कि आरएलडी के बिना बीजेपी की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आरएलडी ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब ऐसे में हम क्या माने, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो 10 फरवरी को जहां पर वोटिंग है और पहले चरण में, वहां पर बीजेपी की शुरुआत शायद बहुत अच्छी नहीं लग रही है, और जिस तरीके से जो करारा जवाब जयंत चौधरी ने दिया है उससे ये भी पता है लोगों को कि शायद बीजेपी के मुंह पर ये तमाचा है, लेकिन जनता किसे वोट करेगी ये एक बड़ा सवाल है, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अपनी दूसरी खबर में बात करते हैं गृहमंत्री अमित शाह के मथुरा दौरे की। कल आपने देखा था कि जो जाट समुदाय है उसको साधने में लगे हुए हैं अमित शाह, उसके पहले आपने देखा था कि वो कैराना गए थे, गली गली पैम्फलेट्स बांट रहे थे और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, और आज अमित शाह मथुरा पहुंचे थे और मथुरा में जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी पर नहीं है और ये ब्रज की जनता जानती है और ब्रज की जनता का वो धन्यवाद करते हैं, उन्होंने कहा कि 2014 हो या 17 हो या फिर 2022 हो, ब्रज का डब्बा जब भी खुलता है तो उसमें से कमल ही खिलता है, इस बात को उन्होंने कहा। लेकिन एक सीधा साधा एक उन्होंने एक डायरेक्ट हमला भी समाजवादी पार्टी पर किया, उन्होंने कहा कि जो बाहुबली हैं वो इस समय परेशान दिख रहे हैं,
और बहन बेटियों का अपमान होता था जिस समय अखिलेश यादव का राज था, और बीजेपी के काल में वही बाहुबली गले में पट्टा बांधकर और वो सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी के पेट में दर्द होता था जब मुख्तार अंसारी या आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था, और उन्होंने कहा कि इतनी सारी धाराएं इन दोनों के ऊपर लगी हैं कि शायद सीआरपीसी की जो धाराएं हैं वो भी कम पड़ जाएंगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लूटपाट और अपहरण डकैती के जो मामले थे वो कितने ज्यादा बढ़ गए थे अखिलेश जी के राज में, और साथ में उन्होंने कहा कि अगर उसकी तुलना अगर आप योगी राज से करें तो अभी भी उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में नंबर 2 पर है, और अगर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई तो फिर यूपी नंबर 1 हो जाएगा। तो काफी जो पूरी लड़ाई इस समय उत्तर प्रदेश में है, और खासकर अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी वर्सेस बीजेपी की अगर आप लड़ाई देखें तो बीजेपी अपने विकास का पुलिंदा खोल रही है लोगों के सामने और ये बता रही है कि देखिए अखिलेश की सरकार में अपहरण लूटपाट डकैती ये सब होता था और हमारे राज्य में केवल विकास हो रहा है, इस पिच पर अमित शाह खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मथुरा ब्रज के लोगों ने बीजेपी के लिए वोट दिया है, लेकिन ये वही बेल्ट है जहां पर किसानों का जो रोष है वो भी काफी देखने को मिला है। ये एक समय में जयंत चौधरी का भी गढ़ होता था, तो अब ऐसे में कितना असर करेगा समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, क्या वो बीजेपी को पटकनी दे पाएगा, ये एक मुश्किल सवाल है। लेकिन बीजेपी के लिए राह इस बार इतनी आसान नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से जाट समुदाय जो कि एक समय बीजेपी के साथ था, किसान आंदोलन के बाद वो पूरा समुदाय एक तरीके से बीजेपी से नाराज हो गया, तो अब ऐसे में कहना मुश्किल है कि वो लोग क्या इस समय बीजेपी के लिए वोट करेंगे। तमाम लोक लुभावन स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं, लेकिन जो बीजेपी की मुश्किलें हैं ग्राउंड पर वो इससे देखी जा सकती हैं कि जितने भी नेता जो प्रचार के लिए निकल रहे हैं बीजेपी के, चाहे वो कल अलग अलग, चाहे वो मेरठ हो, चाहे फिर और भी कई गांव हैं जहां पर नेताओं को खदेड़ा गया है, और एक तरीके से ये कहा गया है कि जितने भी लोग बीजेपी नेताओं को खदेड़ रहे हैं वो किसान आंदोलन को याद कर रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कि लोग ये बात कर रहे हैं कि देखिए किसानों के खिलाफ किस तरीके से फायरिंग की थी और गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह से कील और बैरिकेड्स लगाए गए थे। उन्हीं यादों को ताज़ा लोगों ने अपने दिमाग में किया है और कहा है कि बीजेपी के लोगों को हम प्रचार नहीं करने देंगे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें काफ़ी हैं, और देखना यह है कि किस तरीके से अपना आगे वाले दिनों में आरएलडी और एसपी अपना नैरेटिव बनाता है, लेकिन यूपी में इस बार बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट की। अगर आपको ध्यान हो तो 27 दिसंबर 2021 में राहुल गांधी ने ट्विटर को एक चिट्ठी लिखी थी, और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि ऐसा लग रहा है कि ट्विटर मोदी जी के दबाव में काम कर रहा है, और जिस तरीके से उनके फॉलोअर्स की संख्या घट रही है उस चीज को उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा था और बाकायदा डेटा भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि अगस्त 2021 में उनके जो फॉलोअर्स थे वो 54,803 फॉलोअर्स कम हुए, उसके बाद सितंबर में 1,327, अक्टूबर में 2,380, नवंबर में 2,788 फॉलोअर्स कम हुए थे, और उन्होंने कहा कि ट्विटर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। उसी पत्र के एवज में आज ट्विटर के जो सीईओ हैं पराग अग्रवाल, उस चिट्ठी का उन्होंने रिप्लाई दिया, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ट्विटर यही चाहता है कि जितने भी लोगों के अकाउंट्स हैं यानी कि अकाउंट होल्डर्स और उनके जो फॉलोअर्स की संख्या है वो उसके साथ आए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो फॉलोअर्स की जो लिस्ट है वो वास्तविक होनी चाहिए और ट्विटर हेर फेर और स्पैम में को कोई जगह नहीं देता है। उन्होंने कहा कि हर वीक उनकी एक साप्ताहिक एक्सरसाइज है जिसमें कि वो उनके पास जो मशीन लर्निंग टूल्स हैं उन टूल्स के जरिए वो जितने भी स्पैम फॉलोअर्स हैं उनको वीड आउट करते हैं, उनको हटाते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने जवाब दिया है राहुल गांधी को कि देखिए जो मशीन लर्निंग टूल्स हैं आपके जो फॉलोअर्स हैं वो फर्जी हैं, और उन फर्जी फॉलोअर्स को यानी कि जो स्पैम फॉलोअर्स हैं उनको हटाने की कोशिश की है ट्विटर इंडिया ने। लेकिन आपको अगर ध्यान दिलाएं तो राहुल गांधी ने एक डेटा भी दिया था, और उस डेटा में उन्होंने मोदी जी का जो अकाउंट है
उसकी तुलना की थी, उसके बाद थरूर की तुलना की थी, और इन तमाम लोगों की तुलना में उन्होंने कहा था कि देखिए किस तरीके से उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल बार बार ट्विटर पर होता है, क्योंकि आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा वोकल हो गए हैं, तो वोकल में कितने लोकतांत्रिक होते हैं ये प्लेटफॉर्म्स और कितने लोकतांत्रिक हो सकते हैं, और जो सरकारें हैं उनके दबाव में क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। फेसबुक का आपने देखा ही था कि फेसबुक कितने प्रेशर में रहता है, जो मौजूदा सरकार है उसके एक नहीं बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कितनी स्टोरीज उस पर कर दी हैं, और तमाम विश्व के सभी देशों में इन बातों को कहा गया था कि जिस समय दिल्ली रायट्स हो रहे थे या और भी जो सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट थे, उस समय किस तरीके से जो अकाउंट्स हैं उनसे छेड़छाड़ की गई थी। तो आप कैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राहुल गांधी की चिट्ठी यही इस बात को कह रही थी। लेकिन अब जो ट्विटर के जो सीईओ हैं पराग अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि हमारे पास मशीन लर्निंग टूल्स हैं जिनसे हम स्पैम फॉलोअर्स को वीड आउट करते हैं। तो इसको लेकर अब एक देश में नई बहस शायद शुरू हो जाएगी, और लोग इस बात को लेकर भी बहस करेंगे कि क्या ट्विटर अलोकतांत्रिक हो गया है, क्या ट्विटर भी अब क्या सरकार के दबाव में आ रहा है। और जो पराग अग्रवाल ने जो ये बात कही है स्पैम फॉलोअर्स की, तो स्पैम फॉलोअर्स का डेटा भी ट्विटर दे ताकि लोगों को विश्वास हो। और ये बात जो राहुल गांधी ने कही है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसमें मेरिट है जिस तरीके का डेटा राहुल गांधी ने दिया है। अब ऐसे में ट्विटर सिर्फ ये एक लाइन का एक्सप्लेनेशन अगर देकर कहता है तो शायद ये बात लोगों के मन में हजम नहीं होगी या इसको पचाना मुश्किल होगा, और कैसे ट्विटर प्रूव करेगा कि वो सरकार के दबाव में नहीं है। तो तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं, और ट्विटर पर पहले भी प्रेशर डाला गया था, इसको देखकर सभी ने इन बातों को कहा था। उसके बाद खुद सरकार ने कू जैसा एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, और जितने भी सरकार के मंत्री थे वो कू पर नजर आ रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि जो पैरेलल कंपटीशन देखकर क्या ट्विटर भी अब सरकार की बोल बोलने लगा है, और अगर ट्विटर ने इस तरीके का जवाब दिया है तो ये तो एक सीधा साधा एग्जाम्पल है कि सरकार को खुश करने वाला जवाब है, और राहुल गांधी को उनके बारे में, उनके अकाउंट के बारे में, उनकी अकाउंट की वास्तविकता ट्विटर ने बताई है, उसे यही लगता है कि ट्विटर भी शायद सरकार के दबाव में काम कर रहा है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की, और ये घटना उजागर हुई एक वीडियो के जरिए जो कि वायरल हुआ। और आपको बता दें कि दिल्ली के कस्तूरबा नगर में ये बहुत ही शर्मसार करने वाला एक हादसा सामने आया है, जिसमें कि ये पता चला कि एक 20 साल की लड़की थी जिसका अपहरण किया गया, भीड़ ने उसके साथ बदसलूकी की, और उसके ऊपर ये आरोप है कि कथित रूप से उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, और उसके बाद अपहरण किया गया, उसके बाद उसके बाल काटे गए, बाल काटने के बाद उसके मुंह पर कालिक लगाई गई, और फिर उसके बाद उसको चप्पल की माला पहनाई गई, और उसके बाद गलियों में उसको घुमाया गया। फिर जो वो लड़की की बहन थी उसने पुलिस से कंप्लेन किया, उसके बाद पुलिस ने उसको बचाया, और उसके बाद अब जो स्वाति मालेवाल हैं दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया और इसके बारे में काफ़ी वो भड़क गई, गुस्सा भी किया उन्होंने। और पुलिस का ये कहना है कि ये पुरानी रंजिश का मामला है, और उसके ये बताया जाता है कि कथित रूप से कि इस महिला के पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था, उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। तो ये तमाम तरीके के आरोप आ रहे हैं, लेकिन जिस घिनौने तरीके से इस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है कि उसके साथ आपने गैंगरेप किया, गैंगरेप के बाद उसके बाल काटे, बाल काट कर उसको गलियों में घुमाया गया, चप्पलों की माला पहनाई गई, आखिर ये चीज़ क्या एक सभ्य समाज का संकेत है? और किस तरीके के वो लोग थे जब वो गलियों में लड़की को घुमाया जा रहा था और लोग चुपचाप देख रहे थे? तो ये एक समाज का बहुत ही घिनौना चेहरा है कि महिला के साथ आप कितना दुर्व्यवहार कर सकते हैं। महिला को एक अभी भी कमोडिटी समझा जाता है, और बिल्कुल उसको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है कि वो गैंगरेप करे उस महिला के साथ, और गैंगरेप करने के बाद इस हद तक की बदसलूकी की जाए, तो ये आप क्या कहेंगे कि ऐसे समाज को और समाज को चलाने वाले इस प्रशासन के बारे में? ये एक बहुत ही भद्दी कहानी कहता है, जिसमें कि इसमें दोषी समाज भी है, पुलिस भी है, सरकार भी है, और आज उस महिला को न्याय कैसे मिलेगा? उस महिला की जिस तरीके से अपमान हुआ, उसकी जिस तरह से बेइज्जती हुई है, आज उसकी भरपाई कौन करेगा? एक बहुत ही घिनौना, बहुत ही शर्मसार करने वाला ये वीडियो सामने आया है, और ऐसा दिल्ली के कस्तूरबा नगर में हुआ है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो गांव में और जो जहां पर बहुत पढ़ी लिखी जनसंख्या नहीं रहती है, तो वहां पर महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा, उस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ।
अब अपनी आखिरी खबर में बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के इम्तिहानों पर जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो अभी भी जारी है। कल रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि हमने कमेटी का गठन कर दिया है और इन छात्रों का जो आरोप है कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी, परीक्षा के नियम बदल दिए गए और छात्रों को ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इन तमाम आरोपों को ये कमेटी इसका संज्ञान लेगी और मार्च के पहले हफ्ते तक इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन छात्रों को अभी भी ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और छात्रों के साथ साथ एक तरफ सरकार बातचीत की बात करती है, एक तरफ कहती है कि सरकार ने कि कमेटी का गठन कर दिया है और दूसरी तरफ आज सरकार क्या कर रही है, बिहार के जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और एक खान सर नाम के एक बहुत ही बहुचर्चित यूट्यूबर टीचर हैं जो कि उनकी अपनी यूनिक स्टाइल पढ़ाने के लिए उसके लिए जाने जाते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लोगों में इसको लेकर गुस्सा फूट गया है और तमाम जो कोचिंग संचालक हैं का लगभग 400 लोगों के खिलाफ वहां पर FIR दर्ज हुई है। तो आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये FIR टीचरों के खिलाफ क्यों दर्ज की गई है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स को अपना गुरु मानते हैं, उनकी बातों का उनकी जो बातें हैं उनका कहना मानते हैं, तो टीचरों को क्या सरकार डराने की कोशिश कर रही है? टीचरों के खिलाफ FIR दर्ज करने का मतलब है कि टीचर का मुंह बंद करो, छात्रों का मुंह बंद करो और आंदोलन किसी न किसी तरीके से टाल दो ताकि ये ना हो कि बिहार की आज यूपी के चुनाव पर पड़ सके। और पूरी कोशिश ऐसा लग रहा है कि इसी को लेकर है, कमेटी का गठन तो कर दिया गया है लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, आज सत्यहिंदी पर 4 बजे शाम को हमने पूरा डिबेट ये किया था, इसमें यही बात थी कि कमेटी के गठन का कोई मतलब नहीं है, इस कमेटी को भंग कर देना चाहिए क्योंकि सरकार को ये अच्छे से पता है कि स्टूडेंट्स की मांग क्या है, उनको अच्छे से पता है कि आज ये स्टूडेंट्स क्यों उतरे हैं लेकिन फिर भी इन टीचर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, ये कहते हुए कि इन छात्रों को उकसाया है इन टीचरों ने। जैसे कि खान सर का एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि खान सर ने इन सारे छात्रों को उकसाया कि आप ट्रेन में आगजनी करिए, ट्रेन के साथ तोड़फोड़ करिए, इस मामले में FIR दर्ज की जा रही है। उधर यूपी में आपने देखा था कि किस तरीके से लॉज में घुसकर जो पुलिसकर्मी है उन्होंने छात्रों के साथ मारपीट की थी, तो प्रयागराज में एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो की शिनाख्त की गई और पुलिस ने उस वीडियो के आधार पर यह देखा कि पुलिस अनावश्यक बल प्रयोग कर रही थी और जिसके चलते अब 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो सस्पेंड तो कर दिया गया है लेकिन छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा ये एक इस समय बड़ा सवाल है और अगर सरकार ने जल्द से जल्द इन छात्रों की बात नहीं सुनी, छात्र ये कह रहे हैं कि टाइम बाउंड तरीके से जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसमें नियुक्तियां की जाएं क्योंकि ये जो नियुक्तियां थी ये रिक्तियां निकाली गई थी 2019 में जिसकी विज्ञप्ति निकली थी, तो विज्ञप्ति निकल जाती है लेकिन नियुक्ति नहीं होती है। तो ये छात्र कोविड के समय में एक तो शिक्षा हो नहीं रही थी, नौकरी का ये छात्र इंतजार कर रहे थे, तो ऐसे में इस तरीके से छात्रों को भुलावा देना, भ्रमित करना, इसमें सरकार काफी कटघरे में खड़ी हुई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये बेरोजगार नौजवान आखिर कहाँ जाएंगे और आज अगर ये नौकरी मांग रहे हैं तो क्या नौकरी मांगना मोदी सरकार में क्या अपराध हो गया है? आज इन्हीं छात्रों की बातें सुनने के बजाय सरकार इन्हें इनके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है, केस दर्ज कर रही है। तो आखिर मोदी राज में फिर से वही सवाल आता है कि युवाओं की अनदेखी क्यों की जा रही है, छात्रों की अनदेखी क्यों की जा रही है? छात्रों को नौकरी देने के बजाय, उन्हें सांत्वना देने के बजाय आज इन छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज क्यों हो रही है? और सबसे शर्मनाक बात कि सारे विपक्षी दल इसको लेकर खामोश बैठे हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं लेकिन बेरोजगार का मुद्दा नहीं उठाते, शायद रोना इसी बात का है। अब ऐसे में सरकार क्या कुछ करती है और इस आंदोलन की आंच कहीं ऐसा ना हो कि यूपी में BJP को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @Neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।